नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं इंडिया के वन ऑफ द बेहतरीन एक्टर्स जिसे कहा जा सकता है गोविंदा। आपके बड़े सारे फैंस हैं यहाँ पर इंक्लूडिंग मी। वेलकम टू आमने सामने। गोविंदा जी आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन आप टाइट क्यों हो गए? कॉमेडी किंग और डेविड धवन के साथ के कॉम्बिनेशन वाले एक्टर से जाने लगे, कॉमेडी किंग नंबर वन ऐसा हो गया। आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि द फैक्ट इसमें जिस वक्त स्टार्ट किया मैंने कॉमेडीज करना वगैरह, तो मैं बहुत एक्शंस वगैरह करने के वजह से मेरे नर्व्स के ऊपर, मेरे काम में, हर जगह जो मुझे ऐसा लगने लगा था कि इट्स गेटिंग हैवी ऑन मी। तो हमेशा या तो काम आप पे हैवी होता है या तो आप काम पे हैवी हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम पे चढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपका वो जो नूर है, उसका जो करम है, वो आप पे बना रहता है। तो जैसे मुझे लगा कि कॉमेडी करते समय मैं आई एम नॉट एनर्जी मेरी बनी हुई है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, तो वो तो बड़ा अच्छा लगा। अचानक इसे ये शुरू हो गया, जैसे अवार्ड शुरू हो गए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो मैंने कहा यार ये बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल तुम लोगों ने शुरू किया है, ये बेस्ट एक्टर इन रोमांस की नहीं, बेस्ट एक्टर इन एक्शन की नहीं। तो तुम लोग मुझसे डर गए हो कि यार तुम लोगों ने ये नया शुरू किया कि हमेशा गोविंदा आ जाता है, हमेशा बेस्ट एक्टर में गोविंदा आ जाता है, तो व्हाई यू आर। तो उस वक्त तो टाइम वॉज सच, और बहुत ज़्यादा जिस वक्त जिसको कहते हैं कि उसकी आवाज़ में जो वो चाहे उसके साथ हो लेना चाहिए आदमी को, तो कॉमेडी फिल्म्स वगैरह उस तरह की चलने लगी, एंड आई फेल्ट दैट व्हेन आई एम डूइंग वेल व्हाई शुड आई लुक एट ऑल दिस थिंग्स कि वेयर दे आर थिंकिंग एंड हाउ दे आर थिंकिंग। तो उसका उसका एक अलग इतिहास बनने लगा। आपकी शुरुआत गोविंदा जी एक बड़े रोमांटिक हीरो की तरह से हुई थी, लड़कियां फिदा होती थी आपके डांसिंग स्टाइल, लड़के कॉलेज में लड़कियों को रिझाने के लिए आपकी डांसिंग स्टाइल को सीखा करते थे, वो ठुमके वो अदा, आप एक रोमांटिक हीरो थे। उसके बाद 1985 से लेकर अब तक आपने कुछ 160 फिल्में कर ली, एक लंबा इतिहास है। इस इतिहास को व्हेन यू लुक बैक एट योर ओन करियर, आप अपने करियर को खुद को जब देखते हो तो क्या 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 लगता है, क्या खोया क्या पाया? शुरू में यही मकसद था कि फैमिली संभाले, तो कामयाब रहा, मुझे उसकी वजह से ये मेरी माँ की दुआएं मेरे काम आई और आई कुड डू इट। कहते हैं आज भी आपके घर के दरवाजे पे ये लिखा है कि अपनी माँ का पाँव छुओ, माँ के चरणों में जन्नत है। और मैंने माँ के कदम चूमो तो जिंदगी तुम्हारे कुछ ऐसा है ना कि कदम सफलता तुम्हारे कदम को चूमेगी। तो मुझे मेरे बहुत से सूफी व्यक्ति में मुझे आए, उन्होंने कहा कि गोविंद इसको तुम दरवाजे पे नहीं, उसको टेक इट टू योर टेंपल, यू नो नॉट ऑन द डोर। तो आजकल आपके मंदिर में लगा हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जिस सूरत में कामयाब हों आपको उसका शुक्रिया मानना चाहिए। तो शुरू में फैमिली चलाने संभालनी थी तो मैं संभाली, फिर उसके बाद नाम करना था वो मिला, फिर उसके बाद एज एन आप जैसे कह रही हो कि एज एन रोमांटिक एक्टर नाम हुआ, तो फिर उसके बाद एक्शन फिल्म्स कुछ चल गई, फिर उसके बाद कुछ म्यूजिकल चल गई, उसके बाद में मैंने सुना कि कुछ पहले तो आपने सबसे पहले अपनी मामा की फिल्म एक साइन की, तरह, और उसके कुछ तरह तरह से बेहतरीन फिल्म के अंदर कुछ 52 फिल्में साइन कर ली थी। बेहतरीन फिल्में मैंने नहीं उस वक्त 48 फिल्म्स मैंने की हुई थी। तो पर इतनी जल्दी क्यों, जल्दीबाजी क्यों थी? ये तो अब हम सोच रहे हैं, जैसे आज लोग सोचा करते हैं, जैसे मैं आया था मैं 21 साल का था। हाँ। तो 21 साल की एज में जितनी आपको जैसी होता है वो समझ होती है आपकी, मैं मेरी वही वर्क कर रही थी, और मेरे मम्मी तो मेरे माइंड में से मम्मी ही मम्मी होती थी। तो मैं सोचता था कि कैसे करूं क्या करूं जो मैं इनको खुश कर दूं, तो मेरे तो वही समझ में आता था, मेरे दिमाग में फिल्में नहीं थी। पर आपके तो पिताजी भी वो भी रहे, हीरो रहे, और उनकी वजह से मैं हीरो बना, उनकी वजह से मैं हीरो बना। मैं तो मम्मी तो चाह रही थी कि मैं कहीं बैंक में नौकरी करूं। कहते हैं कि आपने शायद एक बार ताज होटल में भी नौकरी की मैं कहां कहां नहीं नौकरी के, और वहां पे वेटर की नौकरी के लिए आप गए थे लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। जी, मुझे बहुत जगह से रिजेक्ट करके वहां से भेज दिया गया, मुझे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी, एंड
जी मेरे डैड ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो और इतना दौड़ रहे हो और तुम अभी यंग हुए ही हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम हीरो के लिए करो। मैं बोला डैडी आपको लगता है कि मैं हीरो बनूंगा? आपको ऐसे बोलता है, मुझे लगता है तू हीरो ही बनेगा और तुझ में वो सब चीज़ें। तो मैंने तो सुना है कि उन लोग की बहुत देश वो बहुत ही तर्रार होते हैं, बहुत समझ उनकी सोच समझ। बोलते नहीं बेटा, उसमें जिसका मन हीरो का, दिल उसका जिसका हीरो का होता है वो आदमी हीरो बनता है। बहुत सी फिल्में मैंने साइन कर ली, कुछ फिल्में तो उसमें विलन की थी। शुरुआत आपने अपने डांसिंग की, आपको आप शायद ठोक इधर उधर चक्कर काट रहे थे तो आपको किसी ने रोल नहीं दिया, तो आपने अपने VHS बना के अपने डांसेस के पूरा और सबको सर्कुलेट कर दिया था, ये देखो एक नया हीरो आया है। क्या हुआ उस समय, ऐसा दौर चल रहा था कि लोग स्ट्रगल के लिए प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है, हम लोग बैठे रहते हैं और ये सब इस तरह से बहुत समय, और वो आते हैं वैसे तुम इधर बैठा तुम इधर, हमेशा डर लगा रहता है कि यार ये क्या है। तो मैंने ये सोचा कि हर व्यक्ति में उसमें कुछ होता है और जो कुछ उसमें होता है वो बहुत होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यूज इट। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने उनके यहाँ स्टाफ में लोग काम करते थे मैंने वीडियो बनाया और वो स्टाफ वालों को मैंने दिखाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि आप लोग देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप प्रोड्यूसर से उनको तो उसमें मैंने ही कोरियोग्राफ्ड एक्ट लिखना प्रोड्यूस सब कुछ मैंने उसमें किया। और जैसे ही मैंने वो जहाँ जहाँ मुझे आया तो मुझे सब लोग बाहर आके, तुम गोविंदा? हम बोला जी ये तुमने लिखा है? मैं बोला जी मैंने। ये तुमने शूट तुमने किया है? मैं बोला जी मैंने किया है। तो ये सब तुम कर रहे हो? मैं बोला जी। वेरी गुड। ऐसे मुझे वो काम मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं है फिल्म लाइन में क्या होता है, अब तो मिल गया है, वो आने वाले समय में कैसे होता है, क्या मिलेगा, पहले ही बटोर लो, जितना कर सकते हैं जितना हो रहा है कर लो। जैसे ये पता नहीं वक्त क्या आएगा। दैट वाज माय थिंकिंग, दैट वाज माय एज एंड दैट वाज द वे आई यूज्ड टू थिंक। तो आपको हमेशा लोग आपको और डेविड धवन को ये बोलते हैं कि इन लोग का मतलब, इन लोगों ने हिंदी फिल्म का जो कि जो एक एक नुएंसेस जो क्रिएटिव नुएंसेस थी ना उसको बहुत ही बहुत बेस लेवल का कर दिया। गाने ये देखो सरकायले खटिया, गाने ये देखो मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था, किस तरीके के गाने आते थे, किस तरीके का डायरेक्शन होता था, डायरेक्शंस होता था, इस तरीके की चीज चीजें थी। उसके लिए आप लोगों को, आपको और डेविड धवन को पूरी की पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने जैसे सिरमौर पे रख दिया कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो जैसे ही बहुत नाम होने लगता है, आपकी बहुत तारीफ हो जाती है, तो तरह तरह से आपको लोग घेरने लगते हैं कि कहीं तो घिरे और उसका आप ख्याल ना करें तो वाकई आप घिर जाते हैं। तो आपने इस चीज को क्यों नहीं कहा ठोक के कि भाई देखो मैं मासेस का हीरो हूँ, हाँ, और मुझे कोई इसमें कोई इल्म नहीं है कि मैं एलीट का हीरो नहीं हूँ। राइट। तो उसमें जो मासेस का हीरो होने के नाते जो मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिला, टच वुड आई कुडंट मैनेज विद द शो शो ऑफ, जिसको शो वर्ल्ड तो है ही। हाँ। ये और इसमें जो मार्केटिंग आपकी उस हाँ, तरीके से काम से पहले और काम के बाद जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने उस पर वर्क नहीं किया, हमको उस समय ही नहीं मिला, हम इतनी ज्यादा काम कर रहे थे। लोग कहने लगे कि गोविंदा जो है ना वो रिक्शे वाले ठेले वाले रेवड़ी वाले इन सब के जो है रियल हीरो है। आपको उस वक्त कैसा लगता था जब इस तरीके की चीजें? तारीफ कभी बुरी नहीं होती है, तारीफ कभी खराब नहीं होती है, आप उसको तारीफ की तरह लेते थे। सक्सेस कभी खराब नहीं होती है, चाहे जहां हो जाए जैसी हो, लोग आपको तोड़ते हैं ऐसे कह के कि अरे आपको ये मिला वो नहीं मिला, वो मिला वो नहीं मिला, अरे जो मिला है उसको तो सर आप उसको तो। लेकिन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आप नहीं काम किए बहुत, जैसे यश चोपड़ा बैनर या संजय लीला भंसाली, यश जी के साथ या संजय लीला भंसाली इस तरीके के बैनर्स के साथ आपने काम नहीं किया, तो लोग आपको जो है हमेशा वो कहते रहे कि अच्छा ये बहुत ही बेस लेवल का एक्टर है, ऐसा उनके साथ काम बुरा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, कब मुझे उनके साथ काम के ऑफर्स आ रहे थे मैंने उस वक्त कबूल नहीं किए। मैं ये खुद की तारीफ या उनके सामने बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, जैसे मुझे वो चुनी लाल का रोल ऑफर किया था। हाँ, exactly, संजय लीला बंसाली ने आपको। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आई एम डूइंग वेरी वेल एंड आई एम एट माय एंड मास्टर्स में मैं टॉप पे हूँ, आप ये मुझे करेक्टर एक्टर में ले जा रहे हो और मेरे आपसे ऐसे संबंध नहीं है कि मैं संबंध के लिए फिल्म कर दूँ आपसे, या तो मेरे से संबंध हो या तो उसे शाहरुख कहते या कोई कहते तो वैसा था नहीं मेरा कोई, तो वो अलग चीज़ हो जाती, बट मेरा उनसे था नहीं ऐसा। तो जैसे यश जी ने मुझसे कहा कि फिल्म, तो उन्होंने मुझसे कहा गोविंदा
डू वांट टू स्टार्ट अ फिल्म विद यू. आई सेड आई वुड लव टू, आई वांट टू. कितनी फिल्में कर रहा था मैं सर? इस वक्त 48 फिल्म्स कर रहा हूँ. क्या कह रहा है? मैंने कहा सर ऐसे 48 फिल्में तो कब 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 डेट देगा अंकल? मैं आपको पहुंच चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए.